हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। जीके एमसीक्यूज टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टेस्ट नंबर हमारा रहेगा 874। प्रीवियस जितने भी टेस्ट हैं 400 से 500 टेस्ट अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर व्हाट्सअप कर लीजिए और अपना स्कोर कार्ड एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर चेकआउट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 250। नेक्स्ट देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी, यानी कि मौलिक कर्तव्य कोई भी प्राप्त नहीं करते हैं, बताइए। ऑप्शंस जल्दी से देखना है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाना होता है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लीगल सैंक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स अच्छे से पढ़ लेना, अमेंडमेंट क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, संसद में प्रस्तुत एक विधेयक के बाद एक अधिनियम बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट, ठीक है। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक के बाद अधिनियम बन जाता है कब? जब द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट, ठीक है। फ्रेंड्स व्हाट्सएप जरूर करें प्रीवियस टेस्ट के लिए। अगर अभी तक आपने क्लर्क एडिशन नहीं लिया, पंचायत सेक्रेटरी एडिशन नहीं लिया है, वो भी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम की यहां पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। टॉपिक भी साथ साथ में जरूर देखा करें, इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहां पर बात हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आप सभी को क्लियर है कि 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए है। हड़प्पा काल के दौरान सबसे अधिक बार चित्रित जानवर कौन सा था, ठीक है, जो पिक्चराइज जो चित्रित था कौन सा था, अधिक बार यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनिकॉर्न, ठीक है। हड़प्पा काल के दौरान सबसे अधिक बार चित्रित जानवर कौन सा था, यूनिकॉर्न, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन थे, ठीक है, बताना है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्लर्क के लिए, जोआईटी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, कहीं पे भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग किया जाता है और ये जीके सीरीज सभी के लिए है, ठीक है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 112, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो 75वें आज़ादी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना उन्हें, और बाकी क्वेश्चन तो हम कवर कर ही देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने सोचा सही हुआ, वेल डन, और लाइक सभी ने करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आंसर हो रहे हैं और जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस बार क्लियर करने वाला हूँ या क्लियर करने वाली हूँ, लाइक कर दीजिए। किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करते, नहीं तो यही लेक्चर अगर मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करवाने लगा तो 1.5 घंटा चला जाएगा फिर, ठीक है, फायदा कुछ नहीं होगा। आप खुद को चेकआउट करें, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, और नोट्स नहीं अवेलेबल है, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सअप कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर हमारी टीम प्रोवाइड करवा देती है ऑल सब्जेक्ट्स के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देवताओं की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सिंपल सा है, कुल्लू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बिल कालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, टॉपिक देखा करें। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर, वेरी गुड, सभी का आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन,
मैप आपके माइंड में आ जाना चाहिए। द राइट आंसर इसका रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी मंडी। नेक्स्ट देखेंगे पबर नदी का उद्गम स्थल ऑरिजिनेट्स कहां से होती पबर, ठीक है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी चांसल पीक, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट लगेगा क्वेश्चन का तो व्हाट्सएप कमेंट जरूर करें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों के समूह के लिए जानी जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लामा, ठीक है लामा डल, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920-21 में खुदाई द्वारा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए आर डी बनर्जी और डी आर साहनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और प्रीवियस टेस्ट अगर आपके छूट रहे हैं तो वो भी जल्दी से कवर कर लीजिए व्हाट्सएप करके, ठीक है। यहाँ पर आप अपना परसेंटेज ग्राफ टोटल मार्क्स सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कें सामान्यतः नगरों को विभाजित करती हैं, देखिए यहाँ पर भी टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं बार बार, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है। आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। ग्रेट बाथ की खुदाई कहाँ की गई थी, ये भी सभी को पता होगा, ठीक है। डी मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो, ठीक है कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली वर्ष में शुरू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की बात करिए शिमला बोर्ड की पूछता है, ठीक है। 1880 क्लियर, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड में एक ही डिफरेंस है। अगर जीएस की बात करते हैं शिमला बोर्ड आपका मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछता है, ठीक है, और हमीरपुर बोर्ड एंशियंट और मेडिवल कुछ भी डाल सकता है, किसी का भी वेटेज ज़्यादा कर सकता है, इसका कोई अपना पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2005, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी कौन सी थी, सभी को आता होगा, ठीक है, सी नैना देवी, ठीक है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इन सभी मॉक टेस्ट को, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर कब्जा किया था, बताइए, इंपॉर्टेंट है, आता होगा सभी को। सी इसका सही आंसर होगा 1540 में किया था, किसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान से तैयार किया गया था, इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोलकोंडा, ठीक है। कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान से तैयार किया गया था, गोलकोंडा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने, इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहां से सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा 1943। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे हवा की नमी जो रहती है वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है, ये निर्भर करती है वेदर लोकेशन टेम्परेचर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करो, ठीक है, प्रीवियस टेस्ट लो, मॉक टेस्ट लो, शॉर्ट नोट्स लो, इंपॉर्टेंट नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के ले लो, बाइलिंगुअल आपको मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद टेस्ट लगाइए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे, एग्जाम नेम बताइए, ठीक है। कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। चलिए इसके साथ जय हिंद जय हिमाचल।